नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि होती है उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में ये इच्छाधारी नाग नागिन कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं और आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी ही घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और नागिन से जुदा कर दिया गया, तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ऐसे में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगा दें। दरअसल दोस्तों, ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव अरवल की, जहां दो दोस्त आकाश और मनदीप इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब आकाश और मनदीप शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो अचानक उन दोनों की नज़र उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर बेसुध हो गए। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मार के कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों न करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया। परंतु आकाश और मनदीप ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु दोस्तों, इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदल कर उसी गाँव में पहुंच गई जहाँ आकाश और मनदीप रहते थे। उसने पूरे गाँव में नाग की आंखों देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय आकाश और मनदीप काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो आकाश और मनदीप को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं।
क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग होया नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुँचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही महादेव के दीवाने कमेंट्स में ज़रूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।